Hey guys, welcome back to my channel. राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे बहुत मजे में होंगे। तो मौसी जी के साथ घूमने के बाद मैं वापस आ गई थी और थोड़ा बुध हम लोग जो है बात उतकर के इसके बाद मैं अपने पति देव के साथ निकल गई थी थोड़ी देर घूमने के लिए। तो हमारे पति देव देखते हैं बाइक से हमें कहाँ घुमाते हैं, और मुझे बाइक पे बैठ के घूमना बहुत अच्छा लगता है। नज़ारे देखते रहो, घूमते रहो। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं संगम में मेला लगा हुआ है कि हट गया है, क्योंकि फ्रेंड्स मेला जो है लगभग शिवरात्रि के बाद जो है हट जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो देखते हैं मेला लगा है कि हट गया है और कितना लगा है कितना नहीं। तो बस वहीं अंदर एंटर कर रहे हैं, पतिदेव गाड़ी चला रहे हैं, और थोड़ा सा वीडियो को मैंने स्लो मोशन में करा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पतिदेव गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। मैं क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। अब तो थोड़ा धीरे कर दिए हैं, नहीं तो पहले इतना तेज़ चलाते थे कि मेरे आँखों से आंसू निकल जाता था। जब हवाएं आपकी आँखों में एकदम डायरेक्ट पड़ती है ना, तो आंसू निकल जाता था एकदम। तो बस यही वजह है कि मतलब मैं स्लो मोशन कर दी हूँ, आपको पता चल रहा होगा। तो ये देखिए, यहाँ से जब हम टर्न होते हैं तो एंटर कर जाते हैं मेला क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पहले स्टार्टिंग में काफ़ी मेला इस साइड लगा हुआ था, लेकिन अभी सब निकल गया है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो देखते क्या है, मेला तो लगा हुआ है। मतलब आगे के सारे निकल गए हैं मेले, लेकिन आगे जाते 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 जो है लगा हुआ है एक साइड में मेला। तो फिर हम लोग जा रहे थे, मैंने कहा चलो शूट करके आपको दिखाती हूँ। देखो सब गाड़ी वाड़ी, सब झूले झूला, झूली झूला, कपड़े लत्ते, फुल्की, चाट, गन्ना का जूस, हर एक चीज़ दिख रही होगी, आइसक्रीम वगैरह सब दिख रहा है, और बर्तन वगैरह बहुत चीज़ें लगी हुई हैं। तो अभी भी अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है, मेला लगा हुआ है, घूम सकता है। मैं आप लोग को बता देती हूँ, सूचित कर देती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही बड़ा इलाका है संगम का। अगर आप कभी आए नहीं हो ना संगम, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा, घूमिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अजीब सी शांति सी फीलिंग होगी और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को अगर नहीं आए हो तो। और बहुत से लोगों का ना बड़ा शौक होता है कि हम संगम नगरी घूमें, तो आइएगा ज़रूर कभी भी अगर नहीं आए हैं तो। और जो आते जाते रहते हैं उनको तो पता ही होगा कितना अच्छा है यहाँ पर, कितना अद्भुत नज़ारा रहता है ना। अब मैं आपको इसके बाद एक मंदिर दिखाती हूँ, बाहर से ही दिखाऊँगी, अभी अंदर नहीं जा रही हूँ। एक भव्य मंदिर यहाँ पे है, जिसको कि आप लोगों ने वीडियो में, फ़ोटो में, टीवी में कई जगह देखा होगा, तो वो ये मंदिर है, देख सकते हो आप। इस मंदिर का मैं नाम भूल गई हूँ, नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग मंदिर देख के शायद आप लोग को नाम याद आए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये देखिए, ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, इसका निर्माण हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से है कुछ ये मंदिर। इसके बाद हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है आगे। तो ये देखिए, सब पंडाल उंडाल यहाँ पे लगा हुआ था, उधर से पुल दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा ब्रिज, वहाँ से नैनी का ब्रिज जो होता है वही दिख रहा है वहाँ पे। तो बस इस तरह से कुछ जो है फ्रेंड्स लगा हुआ है मेला चारों तरफ से, और सारी चीज़ें मिल रही हैं, सामान मिल रही है, लेकिन उतना रश नहीं है। मतलब जो उस टाइम पे रश होता है जब मेला होता है ना, तो वो उस टाइप का नहीं है, उतनी भीड़ नहीं लगी हुई है, हल्की हल्की, बहुत कम लोग हैं। तो मौसी जी आप भी देख लीजिए, मेला जो है लगा हुआ है, अभी भी आप आना चाहे तो आ सकती हैं। हमारी मौसी जी सोची मेला हट गया होगा, और हमारी मामी लोग भी सोच रही होंगी, तो अभी मेला नहीं हटा है, आप लोग आके घूम सकते हो आराम से। तो ये देखिए, लेकिन जो मज़ा आता है ना उस टाइम, वो मज़ा अभी नहीं आएगा, बिल्कुल फीलिंग नहीं आती है। तो चलिए घूमते घूमते देखिए कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। पहले ना मैं जब छोटी थी तो ये जो बड़ा वाला गोला वाला झूला देख रहे हो, इसमें मैं बैठती थी, और जब ऊपर से नीचे ये झूला आता है ना फ्रेंड्स, तो इतना गजब का चक्कर आता है, लगता है कि वॉमिट हो जाएगा। मैं दो तीन बार झूली हूँ, उसके बाद मैं झूलना ही बंद कर दी, मज़ा नहीं आता था यार, डर बहुत लगता था ऊपर से। और एक मैंने पिक्चर में देख लिया था कि नीचे से खुल जाता है झूला तो वो गिर जाता है कोई बंदा, तो वो देख के ना तो डर लग गया था, तब से मैं झूलना उलना ही बंद कर दी। और यहाँ पे देखिए कितने सारा जो है सुंदर नज़ारे हैं। थोड़ा वीडियो को म्यूज़िक के साथ इन्जॉय करिए, आगे बताती हूँ क्या होता है।
आप लोग ये भी बताइएगा कि किस किस को इस तरह से बाइक की ड्राइविंग बहुत पसंद आती है। मुझे तो पसंद आती है और सबका मैं नहीं कह सकती। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा हम लोग के देश में विकास हुआ है, चारों तरफ कितना अच्छा जो है अच्छे से चीज़ें बन गई है, एकदम रोड साफ सुथरा, एकदम चारों तरफ से मेंटेन और इतनी अच्छी अच्छी मतलब डिज़ाइनर चीज़ें बना दी गई हैं रोड पे, पेड़ पौधे सब लगवा दिए गए हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और बस ये आ गए हम लोग सिविल लाइन की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये है सिविल लाइन का एरिया फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है मॉल्स वगैरह सब यहीं पे रहती हैं, यहाँ पे मॉल्स वगैरह सब घूमते हैं, बड़े शोरूम वगैरह सब यहाँ पे रहता है और बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ रहता है। VIP एरिया जिसे नहीं कहते, तो वो यहाँ का यही एरिया है सिविल लाइन वाला एरिया, जिसे कि VIP एरिया भी कहते हैं लोग। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें VIP होती हैं और बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे। रात के टाइम जब आइए ना आप, तो बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ ऐसी ऐसी लाइटें रोशनी रहती है ना, सजावट रहती है कि बहुत देखने में अच्छा लगता है। अभी तो हम दिन में आए हुए हैं तो इसलिए आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह हम लोग जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं अपना चारों तरफ से। और ये देखिए सब क्या क्या है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो वीडियो को ब्लॉग को एंजॉय करिए। बीच में हम लोग जानते हैं एक जगह पे रुकेंगे थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से टहल रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं इधर उधर, तो हमने कहा कि चलो कुछ खा भी लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर कुरकुरे खाती हूँ। तो ये देखिए ये प्रयाग समिति है, बहुत लोगों ने सुना होगा प्रयाग समिति के बारे में, तो ये वो है। और अब तो फ्रेंड्स कंपनी गार्डन वगैरह भी यहाँ पर है काफ़ी, लेकिन अब गार्डन में भी जानते हैं चार्ज लगता है, पहले के टाइम पर चार्ज नहीं लगता था गार्डन वगैरह में, अब कोई भी घूम सकता था आराम से, लेकिन अब जो है चार्ज लगता है। और मेरे पति देव कह रहे थे लगना चाहिए, क्योंकि इतना देखभाल करते हैं, इतना बड़ा से बनवाया गया है, देखभाल करते हैं सब लोग, तो उनका भी तो कुछ खर्चा पानी चलना चाहिए, तो इसीलिए चार्ज वगैरह लगता होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये गार्डन ही है, कंपनी गार्डन है, जो उधर उधर आपको एरिया दिख रहा होगा गेट के उस पार, तो सब घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आके हम रुक गए थे फ्रेंड्स, कुछ खाए पिएंगे इसके बाद जो है निकलेंगे। देखिए पतिदेव लेने गए हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, मज़ा तो ज़रूर आया होगा आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट शुरू करते हैं। कल मैंने पूछा था कि कौन से दिन मैं गई थी आलोपिन मंदिर घूमने के लिए, तो सब लोगों ने जवाब दिया है, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज़ जवाब जिसने दिया है वो ममता जी हैं। ममता सिंह ने सबसे तेज़ जवाब दिया था मंडे, जी हाँ सोमवार को मैं गई थी। तो यहाँ पर मैं उनका स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ। और अब पूछ लेते हैं आज का सवाल अपने इस ब्लॉग में से। तो इस ब्लॉग में से जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ वो ये है कि कौन से त्यौहार के बाद संगम का मेला जो है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ज़्यादातर यही होता है तो ख़त्म हो जाता है, तो वो आप लोग बताइएगा कौन सा त्यौहार था, ठीक है, लिख के फटाफट से। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कहीं पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।